बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली घर में हड़ताल जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। भड़ास निकालते हुए कहा कि वह सरकार की नीतियों की घोर निंदा करते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों को खुला समर्थन भी दिया। रायसिंह नेहरा यूनिट प्रेजेंट ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने स्टेट कमेटी के आह्वान के ऊपर हरियाणा रोडवेज के तालमेल कमेटी के समर्थन में राज्य कमेटी में फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने सरकार की नीति 720 बसों की प्राइवेट हाथों में देने की योजना पर गौर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है, जिसका आमजन को कोई फायदा नहीं होने वाला। इन नीतियों के विरोध में बिजली विभाग कर्मचारी पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रदर्शन में कोशिश यह रहेगी कि हमारी तरफ से जनता को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आउटसोर्सिंग की नीति 720 बसों को जो प्राइवेट हाथों में करने की सरकार की योजना, और हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि अपने हितों को लाभ पहुँचाने के लिए जनता का नुकसान करने की जो नीति है, उसके विरोध में और हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के समर्थन में आज बिजली का कर्मचारी पूरे प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बिजली कट रख हुआ है भाई? बिजली कट रख हुआ नहीं, बिजली कट नहीं रखेंगे। बिजली कट हम इसलिए नहीं रखेंगे कि जनता से हमारा मतलब जनता की सपोर्ट के लिए है, जनता की सेवा के लिए हमारा सहयोग जनता से रहेगा, और जनता से भी अपील करेंगे, क्योंकि ये जो नीति है ये बेरोजगारों को नुकसान देने वाली नीति है। आउटसोर्सिंग में मतलब एक प्राइवेट बस के ऊपर दो बच्चों को रोजगार मिलता है, वो 8,000-10,000 रुपए का होता है, जबकि सरकारी एक बस के ऊपर 6 बंदों को रोजगार मिलता है, वो 20,000 से ऊपर का रोजगार होता है। आज हरियाणा की विधानसभा के मुताबिक, लास्ट सेशन के मुताबिक, स्वयं हरियाणा की सरकार मानती है कि आज हरियाणा की जनसंख्या को देखते हुए 18,000 बसों की जरूरत है, जबकि इनके पास टोटल और टोटल में 4100 बसें हैं, जिनमें से लगभग 100 कंडम हो चुकी हैं, 4000 बसें हैं। परिवहन मंत्री जी का बयान आता है, कितना निंदनीय बयान हम कह सकते हैं। शेर के बच्चे कहते हैं कि 4500 से ऊपर बेड़ा नहीं जाने देंगे। इसका मतलब और मायना सीधा समझा जा सकता है कि ये जनता से भी धोखा है, कर्मचारी से भी धोखा है, केवल और केवल अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए। किसी भी हम खुले तौर पर चुनौती देते हैं सरकार को कि ऑल ओवर हरियाणा सिंगल वन एक गांव ऐसा बता दे कि यहाँ से हमारे पास प्राइवेट बस की अप्लीकेशन आई है, जबकि हरियाणा रोडवेज की मांग हर पंचायत करती है, स्टूडेंट करते हैं, कर्मचारी करता है, क्योंकि ये उसकी एक व्यवस्था है, उसकी एक टाइमिंग है। प्राइवेट वाले को जिस दिन रूट के ऊपर मतलब अच्छे मुनाफे की अगर कोई किसी किस्म की बुकिंग आती है, पूरा दिन लोग रोड के ऊपर खड़े रहेंगे, उसने जाना नहीं है साथियों, प्राइवेट वाला तो केवल मुनाफे की तरफ जाएगा। आज हकीकत में जो बड़ी कुर्बानी साथियों ने रोडवेज के साथियों ने की है, और उनके समर्थन में तमाम यूनियन संगठन जन संगठन आए हुए हैं, इसीलिए आए हुए हैं कि उसमें रोडवेज का निजी हित कहीं भी नहीं है कर्मचारी का, ना वो बोनस मांगता ना वो तनख्वाह मांगता, केवल जनता की मांग और मुद्दों को लेकर आज कर्मचारी आंदोलन पर हैं। और अकेले रोडवेज में ही नहीं, सरकार को आपके माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अकेला रोडवेज को ना समझे, पूरे हरियाणा का कर्मचारी, चाहे वो सड़क कर्मचारी से संबंधित है, चाहे वो महासंघ से संबंधित है, अगर जरूरत पड़ी तो रोडवेज से कदम आगे चलेगा, ये बताना चाहते हैं सरकार को। गलत फहमी में सरकार कहीं नारे, प्रजातंत्र में प्रजा